हाय फ्रेंड्स, निशा अग्रवाल की चैनल में आप सबका स्वागत है। तो जैसे कि आप सभी जानते हो कि अनुपमा में अभी अच्छा दिखाया जा रहा है, थोड़ा सैड भी दिखा रहा है। तो जैसे अनुपमा दरवाजे के बाहर बैठी है, उसके साथ उसकी फ्रेंड बैठी है और वो बहुत रो रही है। अनुपमा रो रही है, एकदम बेहोशी की मतलब हालत में थी तो अभी होश में आ गई, लेकिन पागल सी हो गई है। अनुज का वेट कर रही है, इंतज़ार कर रही है। उसको उसको ऐसा लगता है कि अनुज आ गया है और उससे माफ़ी मांग रहा है कि सॉरी, मैं तुझे छोड़ के नहीं जाना चाहिए मुझे, ऐसा वैसा सब मतलब सपने देख रही है वो। लेकिन बहुत जल्दी वो सपना टूट जाता है। वो एक्चुअली वो सपना ही देख रही थी, हकीकत नहीं था। उसे ऐसा लगा कि हकीकत में वो बाहर आके सबको बोलती अनुज आया था, अनुज आया था, लेकिन सब बोलते हैं नहीं, अनुज नहीं आया, वो नहीं आया, वो चला गया है, नहीं आया। तो वो बाहर बैठ के वेट कर रही है अनुज का, और दिव्या बार बार अपने होने वाले हस्बैंड को फ़ोन लगा रही है कि अनुज कहाँ आया है, उसको लेकर आओ, अनुपमा की हालत अच्छी नहीं है, वो उसे बहुत मिस कर रही है, रो रही है, परेशान है, आप उसको लेके आओ। तो वो उधर अनुज को भी उसका फ्रेंड समझा रहा है कि तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, चल वहाँ पे, वो परेशान है, इधर तू है। पहले छोटी के लिए परेशान था, अब अनुपमा के लिए भी तो परेशान है, तो अपनी मुसीबत क्यों बढ़ा रहा है, दर्द को डबल क्यों कर दिया। एक ही दर्द बहुत था ना, डबल करने में क्या मज़ा आ रहा है। इस तरह से वो उसको समझा रहा है, कह रहा है कि चल नहीं तो मैं भी नहीं जाऊंगा। तो अनुज बोलता है तू जा अपने घर, और है ना अनुज बोलता है कि जा घर पर और दिव्या का भी ख्याल रखना और अनुपमा का भी ख्याल रखना, तू जा, मैं नहीं जाऊँगा। वो बहुत समझा रहा है कि चल अनुज चल, लेकिन वो किसी की बात ही नहीं सुन रहा है। वो बोल रहा है नहीं, मैं तो कोई हालत में नहीं जाऊंगा। तो उसका दोस्त भी वहीं बैठ जाता है, बोलता है कि जब तक तू नहीं जाएगा मैं भी नहीं जाऊंगा घर, और मैं यहीं रहूंगा, मैं तुझे साथ में लेके जाऊंगा। तो इस तरह से थोड़ी रात गुजरती है और उसकी आँख लग जाती है उसके फ्रेंड की। तो इतने में अनुज वहाँ से चला जाता है कहीं और। फिर वो उठ के देखता है, अरे नहीं है, तो वो इधर उधर पागलों की तरह ढूंढ रहा है अनुज को कि कहाँ गया कहाँ गया। अनुपमा भी बहुत रो रही है, तो उसको बोली थी कि है ना दिव्या को कि फ़ोन लगा, कब आ रहे हैं। तो वो बोले कि 2 मिनट पहले ही बात हुई है। तो बोलती है 2 मिनट बहुत टाइम नहीं होता है बात कर। तो फिर उसने मैसेज किया, तो उसको दिव्या को ऐसा पता चला कि अनुज चले गए हैं कहीं। तो इस तरह से तो वो भी उसको भी ऐसा अनुपमा को लग रहा है कि अब वो कभी नहीं आएंगे घर। तो इस तरह से फिर दोनों बैठे रहते हैं। इतने में फिर रात के टाइम में उस दिव्या की भी आँख थोड़ी लग जाती है, और इतने में अनुपमा भी वहाँ से चली जाती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इधर से अनुज गायब है तो वहाँ से अनुपमा भी गायब है। दोनों इधर उधर मतलब भटक रहे हैं टेंशन में, दोनों पागल हो चुके हैं, दोनों इधर की उधर भटक रहे हैं। घर की कोई खबर नहीं है कि घर कहाँ है, कुछ नहीं, सब भटक रहे हैं। और दोनों जन पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं, दिव्या भी ढूंढ रही है, उसका हस्बैंड भी, होने वाला हस्बैंड भी ढूंढ रहा है, घर वाले भी सब ढूंढ रहे हैं। पाकी भी रो रही है, बोलती है आदि को कि मेरे ही मम्मी को ढूंढ के लाओ, मैं भी चलती हूँ। तो पाकी को समझाता है आदि कि नहीं तू मत जा, मैं हम लोग ही जाते हैं, क्योंकि मैं तुझे संभालूंगा या मम्मी को ढूंढूंगा। तो वो लोग सब है ना आज चले जाते हैं ढूंढने, और पाकी यहाँ परेशान है। तो अनुज का जो भाई है अंकुश, वो उसको समझाता है पाकी को कि तू परेशान मत हो, आ जाएगी मम्मी, तू बैठ पानी पी। उसको पानी उनी पिलाता है। और उधर जो अनुज की भाभी है वो फ़ोन पे है ना, कंपनी में फ़ोन करके बोल दे रही है, अनुज की कंपनी में फ़ोन करके बोलती है कि जो केविन अनुपमा का था वहाँ से उसका पूरा सामान निकाल दो और पूरा खाली कर दो, आज के बाद है ना मैं और अंकुश ही इस कंपनी के मालिक हैं, हम दोनों ही संभालेंगे इस कंपनी को। इस तरह से वो पूरी प्लानिंग करके उसको समझा रही है। इतने में पाकी उसके पास जाती है और बोलती है थोड़ी तो शर्म करो, मम्मी को अभी कुछ ही घंटे हुए अपनी प्लानिंग चालू कर दी कि मम्मी
मम्मी का ये घर है और घर मम्मी का ही रहेगा, मम्मी के जाते ही सब कुछ हथियाने का सोच रही है। तो उसकी आदि की बहन बोलती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, अपने को बिजनेस तो संभालना पड़ेगा ना, कल ना अनुज और अनुपमा आएंगे और देखेंगे कि बिजनेस के में लॉस जा रहा है, बिजनेस नहीं संभल रहा है, तो उनको कितना दुख होगा, तो किसी को तो संभालना पड़ेगा ना। तो वही है कि मैं संभाल रही हूँ, लेकिन बाकी अलग तरीके से ले रही है, बोल रही है तू अब आपको शर्म नहीं आती, आप इस तरह से तुच्छ है, कुछ मतलब गाली भी दे रही है। तो आदि इतने में आ जाता है और बोलता है कि ये सब क्या चल रहा है। तो बाकी बोलती है आपकी दीदी से पूछो, वो क्या गलत कह रही है, समझ में नहीं आता उसको, ये घर हथियाने की बात कर रही है। तो आदि की बहन बोलती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, अगर वो लोग नहीं है तो हमें ही संभालना पड़ेगा ना। आदि को भी बोलती है कि तू भी यहीं रह जा, और पाकी को भी बोलते हैं कि यहीं पे रह जा, क्योंकि तेरी मम्मी आएगी तो उसे किसी की सपोर्ट की तो ज़रूरत पड़ेगी ना। तो पाकी को बोलती है पाकी तू भी यहीं रह जा। इस तरह से सब चीज़ें चल रही है, सब समझा रहे हैं एक दूसरे को, मतलब सब बिखरा हुआ है। उधर दोनों जन मिल नहीं रहे हैं, ना अनुज मिल रहा है ना अनुपमा मिल रही है, सब भटक रहे हैं। कोई रास्ते में बिना चप्पल के अनुपमा को तो रास्ते में ऐसे भटक रही है। तो यही सब चल रहा है, अभी आगे देखते हैं क्या होता है। तो देखते हैं क्या चल रहा है आगे, जो भी होगा आज के एपिसोड में रात में तो यही दिखाया जाएगा। तो आप लोग सब कोई रात में 10 बजे देखिएगा, और इसकी कहानी मैंने आपको पहले बता दी है। और मेरी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मैसेज ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।